मैंने जीपीएससी क्लियर किया क्लास वन, गुजरात में रैंक 34 था। यूपीएससी क्लियर किया रैंक 570 आईपीएस, बिकमिंग द यंगेस्ट आईपीएस ऑफ गुजरात एट सच अर्ली एज। एंड देन पीपल कम टू यू एंड बोलते हैं आप बहुत नसीबदार हैं, यू आर वेरी लकी। आई टेल देम इन रिवर्स, लक फेवर्स द ब्रेव। कोई अपना लक साथ में लेके नहीं आता, वो बनाना पड़ता है। अगर आपके पास रिस्क लेने का एटीट्यूड है, सी मैं गुजराती हूं एंड वी नो द बिजनेस, एंड बिजनेस का एक ही फंडा है, हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट। सो अगर 8:30 को आपका एक्सीडेंट होता है और 9 o'clock आप मेंस की एग्जाम देने जा सकते हैं, इंटरव्यू से पहले 1 महीने तक आप हॉस्पिटलाइज्ड है और उससे 1 वीक पहले आप दिल्ली जाके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो लक हैज टू कम विथ यू। उसको आना पड़ेगा और आपको आईपीएस बनाना पड़ेगा। लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट के बाद आप जाके आए एंड ऑल, तो द सिंपल था कि मैं एग्जाम के लिए निकला, मेंस मेरा था सुबह, GS3 का पेपर था। 8:30 को मेरा स्कूटी स्लिप हो गया, मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया, लेफ्ट हैंड में इंजरी था, सीट से ब्लीडिंग हो रहा था। लेकिन मेरे पास दो ऑप्शन थे, मैं खड़ा हुआ, मैंने देखा ओके माय राइट हैंड इज सेफ एंड आई डिसाइडेड आई गो टू द एग्जाम हॉल एंड राइट द एग्जाम। मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो मैं वहां से उठ के रोने लगू यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा मेंस खराब हो गया और हॉस्पिटल जाओ, या दूसरा ऑप्शन था कि मैं देखूं कि मैं 3 घंटे और सर्वाइव कर सकता हूं, हां कर सकता हूं। मैं मेंस के लिए एग्जाम हॉल में गया। ये जितने भी फोटोग्राफ्स लगे हैं, सर ने जैसे बताया कि जितने भी इंसान सक्सेसफुल हुए, अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जहां पे वो इंसान की जो स्ट्रगल है वो पीक पे हो जाते हैं। वो इस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना है कि आपको वहां से यू टर्न लेना है या आपको वहां से आगे निकलना है। इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहां से आगे निकलना है, एंड दैट इज द फंडा ऑफ लाइफ। सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो इस स्ट्रगल वाले मोमेंट से आगे निकलने की सोचता है। जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत बहुत मुसीबत है, जबकि जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं, जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है। क्योंकि डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है, सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है। अगर आप जिंदगी में तप रहे हैं, अगर आप जिंदगी में घिस रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं, तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है। और यही मेरा एटीट्यूड रहा है। लोग बोलते हैं कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, पापा इलेक्ट्रिशियन थे, मम्मी हाउसवाइफ थी, डायमंड के कारखाने में काम करती थी, उसके बाद उन्होंने मैरिज में रोटियां बनाने का काम किया और उस तरह से मैं पढ़ा। लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो आप बदलना चाहते हो, आई सेड नथिंग, क्योंकि वो चीजें नहीं होती मेरी लाइफ में तो शायद आज आपके सामने मैं नहीं होता। तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है, अगर लाइफ में स्ट्रगल है, जैसे सर ने बोला है स्ट्रगल इज पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। क्योंकि अगर हम दिल्ली में थे, मेरे दोस्त के साथ में निकला बाहर घूमने, तो बोलता है यार ऐसी लाइफ चाहिए, कोई मगजमारी नहीं, आराम से बैठते हैं पूरे दिन एसी वाले कमरे में, बहुत सारे पैसे है और कोई टेंशन नहीं, ऐसी लाइफ चाहिए मुझे। बोला मेरे पास ऑप्शन है, बोलता क्या, बोला देख सामने एटीएम का रूम दिख रहा है, एसी वाला कमरा है, बहुत सारे पैसे, कोई मगजमारी नहीं, जॉब ले ले, क्यों आईएएस आईपीएस में दिमाग खराब कर रहा है। अगर स्ट्रगल नहीं चाहिए तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट लाइफ। जब भारत वर्ष का सपना चंद्रगुप्त ने देखा, चाणक्य ने देखा, और उस भारत वर्ष को बनाने के लिए जब ये संघर्ष जारी था, और तब नंद के राजा, सॉरी राजा धनानंद की डॉटर दूरदराज से चंद्रगुप्त को प्यार हो जाता है, और जब चाणक्य उनको बोलते हैं कि नहीं तुम्हें उससे दूर रहना है, और तब चंद्रगुप्त बोलता है आचार्य कभी कभी सोचता हूं कि जिंदगी में या ये भारत के सम्राट बनने के लिए इतना त्याग इतना बलिदान ना देना होता तो।
और तब चाणक्य रिप्लाई करते तो हर कोई भारत का सम्राट होता। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ। अगर आईएएस बनने के लिए आईपीएस बनने के लिए सेक्रीफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर घर में आपको आईएएस आईपीएस मिल जाएंगे। सो व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू दिस गेम ऑफ यूपीएससी और एमपीएससी, मेक श्योर दैट यू हैव टू सेक्रीफाइस एनीथिंग विच विल टेक यू टू योर गोल। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें टेंशन होती है यार, दोस्त की एंगेजमेंट है, उसकी बर्थडे पार्टी है, उसकी शादी है, अटेंड नहीं करूंगा तो बोलेगा मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा एंड ऑल एंड ऑल। लेकिन बिलीव मी, जब आप आईएएस बन जाओगे वो सामने से याद दिलाएगा भाई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा तूने, समझ रहे हो? तो जो कुछ भी इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो वो जब आप उस पोस्ट पे पहुंचोगे सब कुछ वर्थ है, सब कुछ। मैंने जो मेरा इंटरव्यू था यूपीएससी का, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, 23 मार्च को मेरा इंटरव्यू था, 20 फरवरी को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में एंड बहुत हाई फीवर था, तो आईवी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। 1 मार्च को ठीक होके मैंने सोचा चलो दिल्ली निकलते हैं। 2 मार्च को मैं दिल्ली पहुंचा। 3 मार्च को वापस से टॉन्सिलाइटिस का अटैक होने की वजह से फ्लाइट लेके वापस से पालनपुर अहमदाबाद, अगेन हॉस्पिटलाइजेशन। 15 मार्च को आई गॉट relieved from the hospital. 16th of March को मैं दिल्ली पहुंचा और 23rd of March को I gave my UPSC interview. So, 1 महीने का hospitalization. उसके बाद जब दिमाग में ये था कि मेरे साथ जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो 1 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड 1 महीने से मैं हॉस्पिटल में था, अगेन आई थॉट दिस इज द मोमेंट टू प्रूव योर सेल्फ। आई वेंट टू द इंटरव्यू और पूरे इंडिया में 2nd highest मार्क्स इन इंटरव्यू फॉर द एंटायर लाइफ। कि जितने भी कंप्लेंट्स आपकी लाइफ में है, मैं यहां से आता हूं, मेरे पेरेंट्स ये करते हैं, मैं वो करता हूं, मेरे पास मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, ये सारे हमने अपने आप को दिए हुए एक्सक्यूजेस है। यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय योर सेल्फ। अगर इंग्लिश नहीं आता है, आई कैन स्टार्ट विद द 5th standard बुक, और 5th standard बुक से भी शुरुआत करने में अगर मुझे अपना ईगो बीच में आ रहा है देन आई कैन नॉट लर्न इट एट एनी स्टेज ऑफ माई लाइफ। स्टार्ट विद द 5th standard बुक, स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। अगर बोलने में शर्म आती है, अपने मोहल्ले के किसी 3-4 बच्चों को जो 1st, 2nd standard में, उनको उठाओ और उनके साथ बातें करो। उनको वैसे भी समझ में नहीं आ और अपने को वैसे भी पता है अपन क्या बोल रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो अगर वहां भी अगर ईगो बीच में आ रहा है, स्टार्ट डूइंग लाइक दिस, स्टार्ट स्पीकिंग। मैं 11th, 12th में था, मुझे पता था मेरा इंग्लिश कैसा है, फिर भी आई यूज टू स्पीक इंग्लिश क्योंकि मुझे पता है सामने वाले को तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी मूवी में इंग्लिश डायलॉग सुन लिया, पूरा दिन मेरे दिन मतलब जहां भी कोई भी बात करूंगा मैं वहां पे वो डायलॉग घुसाऊंगा। दिस एटीट्यूड शुड बी देयर। तो लाइफ में जो मैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड की बात कर रहा था, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड आपको कहीं पे भी नहीं ले जाएगा। यू हैव टू पुट ऑल योर कंप्लेंट्स असाइड, स्टार्ट प्रिपरेशन। क्योंकि आज तक दुनिया यह मानती थी कि एक भी शब्द बिना बोले हम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तब हमारे साथ थे चार्ली चैपलिन जिन्होंने एक भी शब्द बिना बोले सारी दुनिया को एंटरटेन किया। आज भी दुनिया जब यह मानती है कि सिर्फ औरतें अच्छा खाना बना सकती है, हमारे सामने संजीव कपूर जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाद चखाया। आज भी अगर दुनिया यह मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था। आज भी दुनिया अगर यह मानती है कि धनवान बनने के लिए धनवान घर में पैदा होना जरूरी है, हमारे सामने धीरूभाई अंबानी जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आज भी दुनिया अगर यह मानती है कि हम कम एज ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने अमिताभ बच्चन जो आज भी 1 साल में 3 blockbuster मूवीज देते हैं। अगर आप यह मानते कि सिविल सर्विस में आने के लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपके सामने शाहरुख खान विदाउट एनी बैकग्राउंड आज भी बॉलीवुड का बादशाह है। अगर आज तक दुनिया यह मानती थी कि हम सिर्फ धरती पर रहने के लिए बने हैं, हमारे सामने नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्र पे जाके आए, आज तक हम ये जानते हैं कि हम क्या है, हम क्या बन सकते हैं, ये जानने का टाइम शुरू होता है अब। थैंक यू सो मच।